अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे एक सीनियर जो सेमिनार में मखाला पेश करेंगे जनाब मोहतरम साजिद आज़म साहब का, ये बेहद सीनियर प्रोड्यूसर हैं, आप का ये मखाला भी यकीनन जो है सो दिलचस्प होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना मखाला पेश करें जनाब साजिद आज़म साहब। जनाब सदर बेग एहसास साहब, मेरे दोस्त असलम परशोरी साहब, नामुर रहमान साहब, रायना साहब और शुजात साहब और हमारे सिंह साहब और हमारे मुस्तफ़ा सरवरी साहब और हाजिरी ने सेमिनार, ये एक ऐसा मौजू है 10 साल उर्दू चैनल के। उर्दू चैनल जो है, जो चैनल शुरू हुआ था दूरदर्शन का 1983 से, जब से कलर और एलपीटीस के ज़रिए दूरदर्शन जब शुरू हुआ तो उसकी कौन सी ज़बान थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके इब्तदाई प्रोग्राम्स जैसे हम लोग हैं, ये जो है ज़िंदगी है, ये किस ज़बान में पेश किए जाते थे? मेरा मिखाला उसी पर मोहित है। मैं कहता हूं कि आज सारे चैनल उर्दू आसान फहम उर्दू में ही पेश किए जाते हैं, फिर क्या जरूरत है हमको उर्दू चैनल, क्योंकि हमारी जबान को दूसरी रस्मुल खत में मुंतकिल करके पेश किया जा रहा। तो इससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ये जबान फिल्मों की जबान है जो चैनलों की जबान है, और फिल्मों की जबान क्या होती है आपको तो मालूम। तो मेरा मिखाला इसी पर मोहित है। और मैं कुछ और टेलीविज़न के बारे में या उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में या उसकी टीआरपी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन काफ़ी वक्त तलब है, लेकिन अगर आप लोग कुछ सवालात करना चाहते हैं तो उसका जवाब हमसे लिया जा सकता है, मैं वजाहत से उसकी वजाहत कर सकता हूं। मैं अपनी बात की इब्तिदा उर्दू ज़बान की हिंदुस्तान में तश्कील से कर रहा हूँ, जो मुख्तसरन है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस मज़मून में उर्दू की कोई तारीख दोहरा रहा, बल्कि उर्दू के पस मंज़र को वाज़ेह करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल जो चैनलों की ज़बान है उसकी वजाहत हो सके। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की तश्कील से लेकर यानी 14वीं सदी से आज तक यानी 2011 तक यही ज़बान हिंदुस्तान की 70% इलाके में अवाम की बाहम तरसील का अहम ज़रिया रही। उर्दू ज़बान खालिसतन हिंदुस्तानी ज़बान, इस ज़बान में अरबी, फ़ारसी, तुर्की के बेशुमार लफ्ज़ों के साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बानों और बोलियों के बकसरत अल्फाज शामिल और मुरविज, यही सबब है कि उर्दू ज़बान अवाम की ज़बान कहलाती है, गो के इसका रस्मुल खत फ़ारसी से लिया गया है, हुरूफ़ तहज्जी के 36 हरूफ के साथ साथ मखलूत हरूफ भी शामिल कर लिए जाएं तो 51 हो जाते, जैसे खा से खड़ा, ढा से पढ़ा, खा से देखा, भा से भागता वगैरह। और ये जो मखलूत हरूफ हैं, ये ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हिंदुई ज़बान और मुखामी बोलियों से लिए गए, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान में अपने माफी ज़मीर के इजहार में काफ़ी मदद मिलती। उर्दू तहरीर में हिंदुस्तान भर में एक ही मियार होता है, अब लिखने वालों के अंदाज़े तहरीर पर मुनहसर होता है कि वो अपनी तहरीरों में कितनी फसाहत और बलागत और चाशनी पैदा कर, लेकिन बोली जाने वाली उर्दू ज़बान में मुखामी ज़बान के असरात बहुत शामिल होते हैं। जब मुसन्निफीन हिंदुस्तान के जिस इलाके के हों, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली यूपी हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे कहीं के भी हों, अगर मुखामी किरदारों को अपनी कहानियों या अपने नावल का हिस्सा बनाते हैं तो उन किरदारों की ज़बान में मुखामी बोलियों के असरात को शामिल कर लेते हैं, जिससे उर्दू में हम आहंगी पैदा हो जाती है। जैसे सादत हसन मंटू की बम्बई शहर की पसमंज़र में लिखी हुई कहानियों में बम्बई की मुखामी आम बोली को शामिल किया गया, खाए ला, पिए ला, साला वगैरह। इस तरह भोपाल के
भोपाल के किरदारों में आर्या हूँ जारिया हूँ और हैदराबाद के किरदारों में हाओ नक्को कही को लिखा जाता। इस तरह मुख्तलिफ खित्तों की बोलियाँ उर्दू के दामन में सिमटती गईं और इसका दामन वसी से वसीतर करती गई। तकसीम हिंद के बावजूद 1970 तक भी हिंदुस्तान में रसायल जरायत अखबारात और कुतुब का खासा चलन रहा। उर्दू खत्तों का कताबत भी कम न थी। ऑल इंडिया रेडियो के कई स्टेशनों से उर्दू के प्रोग्राम कई कई घंटे नशर हुआ करते थे। क्योंकि उर्दू नस्ल तब तक भी उर्दू को सीने से लगाए रखी थी और उर्दू भी इबलाग और तरसील की नुमाइंदगी में शामिल थी। लेकिन जब से नई नस्ल ने उर्दू रस्मुल खत से मुंह मोड़ा, गौर किया जाए, लेकिन जब से नई नस्ल ने उर्दू रस्मुल खत से मुंह मोड़ा और उर्दू को किसी और रस्मुल खत से जोड़ा, वहाँ से उर्दू पढ़ने और लिखने वालों की तादाद घटने लगी और उर्दू बोली से पनपने लगी। तहरीर से नहीं, बड़ी सख्त जान है उर्दू, मरी नहीं बल्कि कई और शक्लों में बदल गई और भरपूर अंदाज में पनप रही। जिस दौर में हिंदुस्तान में आवाम की नजरी तफरी के लिए थिएटर का फरूग हो रहा था, यानी 19वीं सदी में, तो ड्रामों के लिए उर्दू जबान ही का इंतखाब किया गया, इसलिए कि यह आवाम की पसंदीदा जबान करार पाई और फिर इसी जबान में आगा हशर के ड्रामों ने पारसी थिएटर के जरिए अवामी तफरी का बेजबाह तोहफा बन और इन ड्रामों ने सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। इन उर्दू ड्रामों की मकबूलियत का यह आलम था कि उर्दू रस्मुल खत से नाबलद आर्टिस्ट उर्दू के मुकालमों को अपनी मादरी जबान के रस्मुल खत में मुंतकिल करके इन मुकालमों को याद करते थे। ये बोल तो सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। आगा हशर के कई उर्दू ड्रामे हमें गुजराती और बंगाली रस्मुल खत में भी मिलते हैं। जब हिंदुस्तान में फिल्मी सनत आम हुई और आम की तफरी का जरिया फिल्में ठहरी तो उर्दू जबान ही फिल्मों की जबान बन गई। हत्ता के सोशल फिल्मों के साथ साथ धार्मिक फिल्मों की मुकालमे भी बड़ी हद तक उर्दू जबान में लिखे गए। उस जमाने में बाकायदा फिल्मी मुसन्निफीन नहीं हुआ करते थे बल्कि उर्दू के माहिर मुंशियों से मुकालमे लिखने का काम लिया जाता था। जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री का उरूज शुरू हुआ तो नामवर उर्दू के मुसन्निफीन और शायर इस सनद से वाबस्ता हुए। मसलन सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, शाहिद लतीफ, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र कृष्ण, आगा जानी काश्मीरी, एहसन रजवी, वजाहत मिर्ज़ा, अली रजा, असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, कमाल अमरोही, अख्तर उलमान, सलीम जावेद, सागर सरहदी, मुश्ताक जलीली और वगैरह वगैरह। और शायरों में जहां आरजू लखनवी, जोश नक्शब, वहीं असद भोपाली, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, राजा महदी अली खां, हसरत जयपुरी, शेवन रजवी, जानसार अख्तर, कैब भोपाली वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम उर्दू के मकबूल नगमा निगार थे और 1940 की दहाई से लेकर 1970 की दहाई तक, बल्कि 80 की दहाई तक जो भी लाजवाब फिल्मी बने इन्हीं कलमकारों के काविशों का नतीजा, चाहे नगमे हों, मुकालमे हों, कहानियाँ हों, स्क्रीन प्ले। उस दौर की मशहूर और मकबूल फिल्म साजी के इदारे बम्बई टाकीस, कारदार, महबूब प्रोडक्शन, आरके फिल्म, बीआर फिल्म्स, कियास प्रोडक्शन, कमाल उमरोही प्रोडक्शन, यशराज फिल्म और भी बेशुमार नाम। मिनरवा मूवी टोन वगैरह वगैरह। इन तमाम फिल्म साज इदारों में मुल्क के नामवर और फिल्मी सनत के नामवर मुसन्निफीन और शायर ही जुड़े हुए थे जिन्होंने उर्दू जबान को एक ऐसी जबान बना दी जो आम आदमी की समझ में आ जाए, खा ये मुकालमे हों या नगमे हों। इससे हम फिल्मों के जरिए तश्कील दी हुई उर्दू भी कह सकते हैं और यही जबान फिल्मी उर्दू आवाम की पसंदीदा जबान बन गई, आसान और आम फहम उर्दू। उसी जमाने में 50 और 60 की दहाई में उर्दू में जासूसी और माशरती नावल कसरत से लिखे गए।
इससे भी आम फहम ज़बान को ख़ासा फ़रूग़ हुआ। उन नावलों और फिल्मों ने उर्दू को आम मकबूलियत अदा की। यहीं से उर्दू की अदबी ज़बान उर्दू की आम फहम ज़बान की तकसीम अमल में आई। ये भी ज़रा आप गौर करें, उर्दू की आम फहम ज़बान और अदबी ज़बान की तकसीम अमल में आई और आवाम ने इस आम फहम उर्दू को हाथों हाथ लिया और आज तक वही आसान उर्दू फिल्मों की ज़बान, टेलीविज़न की ज़बान है, अलबत्ता जिसे उर्फ आम में मुस्लिम सोशल और तारीखी फिल्में कहते हैं उसमें उर्दू की टकसाली और सुस्ता ज़बान इस्तेमाल की जाती है। मसलन जीनत, पुकार, अनारकली, शमा, मुग़ल आज़म, पाकिज़ा, मेरे महबूब, नूर जहाँ, बहू बेगम, जहाँ आरा, आलम आरा वगैरह वगैरह। हालिया फिल्मों में रज़िया सुल्तान और मुजफ्फर अली की उमराव जान। बहरहाल 50 की दहाई से लेकर 2011 तक भी बॉलीवुड में जो फिल्में बनाई जाती हैं उनकी 80% ज़बान आम फहम उर्दू यानी फिल्मी उर्दू ही होती है, चाहे वह किसी भी रस्म ख़त में लिखी जाए। एक दौर था फिल्मी नगरी में उर्दू के उस्ताद बड़े तमतराख से घुमा करते थे और बड़े बड़े आर्टिस्टों को उर्दू पढ़ाते थे ताकि उनके मुकालमों का तलफ़ दुरुस्त हो सके। ज़्यादातर आर्टिस्टों का ताल्लुक सरजमीन पंजाब से हुआ करता था जो कै और काफ को काफ से बदल के और कई अदाकारी के इदारों में भी उर्दू डिक्शन की क्लासेस होती थी। उर्दू ज़बान सीखने वाले अदाकारों में जहीं रेखा, जया पर्दा, श्री देवी, साधना, आशा पारिक, सनी देओल वगैरह वगैरह हैं, वहीं हाल ही में सुष्मिता सेन ने भी बाकायदा उर्दू सीखी। जब हिंदुस्तान भर में दूरदर्शन के तवस्सुत से रंगीन टेलीविज़न शुरू हुआ और सारे हिंदुस्तान में LPT के ज़रिए दूरदर्शन के प्रोग्राम देखे जाने लगे 1983, तो दूरदर्शन में स्पॉन्सर्स प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हुआ जो दूरदर्शन के लिए बाहर के प्रोड्यूसर बनाते थे। इन प्रोग्रामों की ज़बान भी आम फहम उर्दू ही थी। इन प्रोग्रामों को लिखने वालों की अक्सरियत उर्दू मुसन्निफीन ही की थी। मकबूल सीरियत हम लोग, ये जो है ज़िंदगी, बुनियाद, फसाने आज़ाद, करमचंद, भारत एक खोज, चंद्रकांता, सोड ऑफ टीपू सुल्तान, ऐसे बेशुमार सीरियल्स। 1992 में जब खानगी सेटेलाइट चैनलों का दौर शुरू हुआ और उसकी बुनियाद ZTV ने रखी, उसके बाद HomeTV, TVI, बहुत बाद में सुनी, उसके बाद स्टार प्लस, आपकी आवाज़ जाती है, जाती है। इन चैनलों में जो भी प्रोग्राम पेश किए जाते थे वो भी आम फहम इसी ज़बान में होते थे। दूरदर्शन और खानगी टेलीविज़न चैनलों के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे इनमें ज़्यादातर उन प्रोड्यूसरों की अक्सरियत थी जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे। आज हम 21वीं सदी में पूरी दुनिया के रुझान बदल रहे हैं, अखलाक बदल रहे हैं और माशरे में तब्दीली आ रही है। आज हिंदुस्तान भर में कहा जाता है कि 600 टेलीविज़न चैनल इलाकई ज़बानों के चैनल अगर शामिल कर लिए जाएं, यानी 600 चैनल आसमान हिंदुस्तान से दिखाई दिए जाते हैं। कहीं इन्हीं से चंद ही चैनल ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के 70% घरों में पाबंदी से देखे जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त स्टार प्लस, सोनी, ZTV, कलर, सहारा वगैरह वगैरह, अलावा न्यूज़ चैनल और स्पोर्ट चैनल व दूसरे लाइफस्टाइल चैनलों के अलावा। इलाकाई ज़बानों के चैनलों में ज़बानों के हिसाब से अपने अपने सूबों में मशहूर और मकबूल हैं। इनमें सरे फेरी, Sun TV, जेमनी, कुछ गुजराती चैनल, कुछ मराठी चैनल, बंगाली चैनल, कुछ तेलुगु चैनल व सोनी, स्टार प्लस और ZTV के सीरियल अगर हम बगौर देखें, इन सीरियलों की ज़बान आम फहम उर्दू ही है। हद है कि डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफी आजकल अपनी नशरियात ज़बान अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी उर्दू ज़बान में कर रहे हैं, उनकी ज़बान भी आम फहम उर्दू ही है। अब मैं कहता हूँ कि अगर इतने आम फहम उर्दू ज़बान के चैनलों की मौजूदगी में क्या किसी उर्दू चैनल की ज़रूरत थी? बेशक है, वो इसलिए कि उर्दू एक कौमी ज़बान है ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब की अलामत है।
हमारी आज की नस्ल को अगर हमारे कौमी वरसे की अमानत हवाले करना हो तो उर्दू ज़बान से बेहतर कोई और ज़बान नहीं। इस ज़बान में लाजवाल अदब, बेमिसाल शायरी, इसकी तहरीरों में तहजीब और तमद्दुन, माशरत, सखाफत है, आज़ादी की जद्दोजहद है, आज़ादी के हिंद के नारे हैं, इनकलाब की बातें हैं, तंज़ो मिज़ाह के नश्तर हैं। ऐसे बेशुमार मौजूआत हैं जिन्हें हम उर्दू चैनल के ज़रिए नई नस्ल को आशना कर सकते हैं ताकि वो अपने माजी के विरसों को जान सके और दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को पहचान सके। अब यहाँ सवाल पैदा हो कि तिजारती एतबार से उर्दू चैनल मनफियत बख्श हो सकता है या नहीं, क्योंकि आजकल चैनलों की मुसाबिकत में पैमाने मकबूलियत यानी TRP की तलवार हर चैनल के सर पर लटकी हुई है। चैनल की आम आदमियों के पहुँच के लिए हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अहम हो गया है, चैनलों का डिस्ट्रीब्यूशन। फिलहाल हिंदुस्तान में केबल उर्दू चैनल को छोड़कर 3 उर्दू चैनल कारकर्द हैं, 1 ETV उर्दू, दूसरा DD उर्दू, तीसरा हाल ही में जिनकी नशियात शुरू हुई हैं वो है मुंसिफ न्यूज़ TV। ये तीनों के तीनों सेटेलाइट चैनल और फ्री टू एयर है। हर केबल ऑपरेटर इन चैनलों को सेटेलाइट से हुसूल करके देखने वालों तक पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ETV उर्दू के अलावा DD उर्दू और मुंसिफ TV को देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ETV उर्दू, जिसकी उम्र 10 साल हो चुकी है, इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कई मुल्कों में उर्दू की शिनाख्त बना हुआ है। DD उर्दू की नशियात का आगाज हुए तकरीबन 5 साल का अर्जा गुजर गया है और आज भी बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो DD उर्दू को अपने टेलीविज़न सेट पर नहीं देख पाए। हालांकि सारे केबल नेटवर्क और DTH प्लेटफॉर्म इसे नशर करने के पाबंद। इस सिलसिले के बाद मैं आप पर वादे करना चाहता हूं कि टाटा स्काई के DTH पर उर्दू DD मौजूद है, लेकिन हम इसे कैसे देखें, क्योंकि उर्दू का नाम टाटा के DTH पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं। जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम जब गाइड में जाते हैं तो वहाँ हमको रीजनल क्लिक करना पड़ता है। जब हम रीजनल क्लिक करते हैं तो वहाँ तमिल लिखा हुआ है, गुजराती लिखा हुआ है, तेलुगु लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आखिर में एक उसका वो उनवान है अदर्स, यानी दूसरी ज़बान। तो अदर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको उर्दू DD उर्दू मिलेगा। तो अदर्स में भी नहीं है, यानी उर्दू का नाम आप गाइड में भी रखना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं लोग और उर्दू ज़बान से इतना इक्तिसाब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि हर DTH प्लेटफॉर्म पर उर्दू DD मौजूद है, हर केबल ऑपरेटर के पास उर्दू DD है। इसको मकबूल किस तरह बनाएं, इस पर हमको गौर करना है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। बहरहाल आपको जानकर ये दुख होगा कि उसने रीजनल इलाकाई चैनल के सफ़ में खड़ा किया, मतलब है कि उर्दू इलाकाई ज़बान बन गई जबकि एक कौमी ज़बान। बहरहाल उर्दू से तमाम बड़े बड़े चैनल इस्तेफादा कर रहे हैं लेकिन उर्दू का कोई नाम लेवा नहीं। आज करोड़ों अरबों का बिजनेस इसी ज़बान की बदौलत सारे इंटरनेशनल चैनल कर रहे हैं, लेकिन उर्दू का नाम लेते हुए उन्हें शर्म आती है। बड़ी बड़ी फिल्में इसी ज़बान में बनती हैं, यहाँ भी उर्दू का नाम नहीं लिया आता। हाय उर्दू, गरीब उर्दू। एक रुबाई पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक तो शेर तो आम फहम है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। एक छोटी सी रुबाई है, न टूटा है न टूटेगा किसी से रिश्ते उर्दू, न टूटा है न टूटेगा किसी से रिश्ते उर्दू, नज़र आती है सबकी ज़िंदगी वाबस्ते उर्दू, गुलिस्तान ने जहाँ के फूल जब चुन चुन के रखे हैं, बना है तब कहीं इस शान से गुलदस्ते उर्दू।